हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट वीडियो में हमने बात की थी होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस की आज का इन कंटिन्यूशन टू दैट आज का हमारा टॉपिक है प्लांट रेजिस्टेंस एंड ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंट वेराइटीज़ सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस एंड ब्रीडिंग ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ इंट्रोडक्शन Resistance of the host plant is the ability to prevent the pathogen from causing diseases and is determined by the genetic constitution of the host plant. That is, the resistant hai host plant is determined by the genetic constitution. Se. Crop loss may be up to 30% due to attack of pathogens. A wide range of fungal, bacterial, and viral pathogens affect the yield of cultivated crop species, especially in tropical climates. Producing resistant varieties the cheapest and the most convenient method than physical, chemical and biological methods for disease control. That is jo resistant varieties ka production is far better hai as compared to the chemical, physical or biological methods. It is cheap also that is it is of low cost. Resistance to diseases, insects and pests are genetically controlled characters.

okay this happens due to change genetic setup of disease resistant plants plant breeding for disease resistance has two advantages resistant varieties not only enhance yield but also stabilize it इट एनहेंसेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाई रिड्यूसिंग लॉसेज ड्यू टू डिजीजेस रिड्यूज द डिपेंडेंस ऑन फनजी साइड्स एंड बैक्टीरिया साइड्स। तो जो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत उनका एडवांटेजेस है बिकॉज उनसे जो केमिकल्स हार्मफुल केमिकल्स हैं जो फनजी साइट्स हैं बैक्टीरिया साइट्स हैं उनका भी यूज बहुत कम हो जाता है और जो ईल्स है क्रॉप का वो भी हमें अच्छा मिलता है मैथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस ओके तो अब क्या क्या मैथड्स हैं प्लांट ब्रीडिंग के लिए जिससे कि डिजीज रेजिस्टेंस जो सक्सेप्टेबल वराइटीज़ हैं उनमें भी हम उनको अचीव कर सकते हैं ब्रीडिंग इज़ डन इधर बाय कन्वेंशनल मैथड्स और बाय द म्यूटेशन ब्रीडिंग तो इस तरह से दो ब्रीडिंग के मैथड्स हैं सो फर्स्ट विल डील विद द कन्वेंशनल ब्रीडिंग कन्वेंशनल मैथड ऑफ़ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस यूजअली फॉलो द सेम स्टेप्स एज दैट ऑफ नॉर्मल हाइब्रडाइजेशन प्रोग्राम जो भी हाइब्रडाइजेशन के आपने पर, के बारे में पढ़ रखा है कन्वेंशनल मतलब जो कि पारंपरिक तरीका है वो पारम्परिक तरीके में ब्रीदिंग किस तरह से की जाती है नंबर वन स्टेप्स इसके पढ़ लेते हैं सलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाजम

और फिर उनसे उन पे आपको टेस्टिंग करनी है कि मतलब अलग अलग स्प्रे करके फंगस का या बैक्टीरिया का कि वो रेजिस्टेंट वैरायटी है या नहीं और जब इस तरह से आपने जब एक न्यू वैरायटी बना ली है तो उसको फिर आप मार्केट में रिलीज करते हैं आफ्टर टेस्टिंग कि वो जो भी आपके टेस्टिंग के नॉर्म्स हैं मतलब उसके अंदर जो डिजीज़ नहीं हो रही है जिससे कि जो भी फंगल डिजीज़ है बैक्टीरिया डिजीज़ है जिससे कि आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ कम्पलीटली रेजिस्टेंट टू द डिज़ीज़ और उसके बाद उसे एक नया नाम देते हैं उस वैरायटी को और उसे उसके बाद फिर आप उसको मार्केट में रिलीज़ करते हैं सम इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ डेवलप्ड बाई कन्वेंशनल ब्रीडिंग नेम ऑफ द क्राउ जैसे व्हीट है व्हीट की जो हिमगिरी वेराइटी है वो रेजिस्टेंस है डिजीज के लिए हिलबंट लीफ एंड स्टाइप्रस्ट देन ब्रेसिका प्यूसा स्वर्णिम एल्ब्यूगो जो व्हाइट रस्ट डिजीज़ है जो कि एल्ब्यूगो से होती है जो कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीवर्स ओके okay, जो कि वो ब्रैसिका पर जो डिजीज होती है ये जो वेराइटी है प्यूसा स्वर्ण ये इससे डिजीज से रेजिस्टेंट है देन इसके अलावा कुछ और हैं लाइक वीट की हिमगिरी हो गया ओके okay, तो हमने पढ़ ही लिया है देन कॉलीफ्लावर पू, पूसा स्नोबॉल कॉल ब्लाइट, ब्लैक रॉड डिजीज से रेजिस्टेंट है काउपी है चिली है तो ये आप देख सकते हैं एक्चुअली ये कई बार आपके शॉर्ट नोट में आ में भी आ जाता है कि कुछ ऐसी वरायटीज़ बताइए जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं तो ये नेम ऑफ द क्रॉप है उसकी वैरायटी है जो कि एस्टेब्लिश हो चुकी है और इस्टेबल इस के अंदर उन डिजीज़ का नाम है जिनसे कि ये वेराइटीज़ रेजिस्टेंट्स हैं ओके रेजिस्टेंट हैं नो डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वेंशनल ब्रीडिंग इसके क्या हानियाँ हैं या क्या डिसएडवेंटेजेस हैं लिमिटेड नंबर ऑफ़ डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स और वाइल्ड रिलेटिव मतलब जो भी डिजीज रेजिस्टेंस के जीन्स हैं जो कि हमें वाइल्ड वराइटीज के अंदर मिले हैं वो बहुत लिमिटेड हैं मतलब कुछ ही सेलेक्टेड डिजीजेस के लिए ही वो रेजिस्टेंट हैं कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग इन टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है इट इज ऑल्सो लिमिटेड बाई नेचुरल पॉलिनेशन बैरियर्स बिटवीन स्पीशीज दैट मीन डिजायरेबल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम स्पीशीज टू अनादर और ये नेचुरल पॉलिनेशन पूरा नेचुरल तो नहीं है कि आपको टेस्टिंग करनी पड़ती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं या नहीं तो ये भी आपका क्या है चांसेस हैं आपके ओके हीट एंड ट्रायल मैथड है तो कन्वेंशनल मेथड कन्वेंशनल ब्रीडिंग के साथ दूसरी ब्रीडिंग है म्यूटेशन ब्रीडिंग सो लेट्स डिस्कस इट

इट कैन भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग बाई आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग म्यूटेशंस यूजिंग केमिकल्स और रेडियेशंस तो इसमें हम आर्टिफिशियली म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं किसी रेडियशंस uh, की सहायता से या केमिकल की सहायता से बाई म्यूटेशंस न्यू जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सिक्वेंस विद इन द जीन्स ओके द म्यूटेशन हेल्प इन चेंजिंग द जीनो टाइप एंड फिनोटाइप ऑफ प्लांट्स एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू नीट Steps for mutation breeding. इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लान्ट बाई वेरियस मीन्स जो भी आप अपने डिस्कस कर रखें या वो केमिकल मीन्स हो सकता है या फिर हम रेडिएशंस के थ्रू जेनेटिक एब्रेशन या जेनेटिक चेंजेस कर सकते हैं स्क्रीनिंग द प्लांट बाई वेरियस मीन्स फिर उसकी स्क्रीनिंग की जाती है प्लांट की सेलेक्टिंग द डिज़ायरेबल प्लाट फॉर द मल्टीप्लीकेशन फॉर ब्रीडिंग और उसके बाद जो भी डिज़ायरेबल आपका प्लांट है जिसके अंदर वो करेक्टर्स हैं डिजायरेबल उसको आप ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट करते हैं फिज़िकल म्यूटाजेंट्स जो कि आप यूज़ करते हैं वो क्या हैं शॉर्ट वेव ई एम रेडिएशन डैट इज़ इलेक्ट्रो मैगनीटिक रेडिएशन यू वी रेडिएशंस और एक्स रेज आनाइजिंग रेडिएशन्स लाइक गामा रेज एंड केमिकल म्यूटाजेंट्स हैं मस्टर्ड गैसेज नाइट्रस एसिड ई एम एस दैट इज इथाइल मिथाइल सल्फोनेट बेस एनालाउज लाइक फाइफ ब्रोमो यूरेसिल एक्सेट्रा आर यूज एन द म्यूटेजेंट्स ओके तो ये म्यूटेजेंट्स क्या होते हैं इसके लिए भी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो ये इन फिजिकल म्यूटेजेंट्स होते हैं या केमिकल म्यूटेंट्स होते हैं जिससे कि हम म्यूटेशन ब्रीडिंग को, को इंड्यूस कर सकते हैं now practical applications of mutation breeding many variety of barley contain artificially mutated genes

एंड पूसा लर्मा वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रेड ग्रेन सोनोरा 64 एंड लर्मा राजो 64 ए तो so, ये व्हीट की जो वेराइटीज हैं ये भी इंट्रोड्यूस की गई थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग देन इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड यू वर इंट्रोड्यूसड बाई म्यूटेशन तो आपके पास कन्वेंशनल ब्रीडिंग से कौन कौन सी वैराइटीज डेवलप की गई हैं और म्यूटेशन ब्रीडिंग से कौन सी वैराइटीज डेवलप की गई हैं विद एग्जांपल ये आपको लर्न करना है रेजिस्टेंस टू वाईएमवी इन भिंडी लाइक येलो मोजेक येलो वेन मोजेक वायरस जो कि भिंडी के अंदर डिजीज़ होती है भिंडीज एबल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस वज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ वाइल्ड स्पीशीज एंड रिजल्टेड इन अ न्यू वेराइटी ऑफ एबल ए एस्क्यूलेंटस कॉल्ड परभानी क्रांति ओके ये भिंडी का एग्जाम्पल था विद द एक्सरे ट्रीटमेंट सीमी डॉफ़ वेराइटी इन राइस हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड सेवरल म्यूटेंट वेराइटीज है डेवलप्ड इन पल्सिस मिलेट्स वेजिटेबल्स फ्रूट प्लांट्स एंड सीरियल्स मेन म्यूटेशन ब्रीडिंग वर्क हैज़ बीन कैरीड अपॉन व्हीट राइस एंड बार्ले वराइटीज ओके नो वेराइटीज़ डेवलप्ड इन इंडिया थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग ये कुछ क्रॉप हैं लाइक सपोज ग्राउंडनट है या जूट है ये इसकी म्यूटेंट वेराइटी हैं आप पूरा देख सकते हैं ग्राउंडनट जूट व्हीट राइट right, सब ये क्रॉप्स हैं सेकेंड कॉलम में ये म्यूटेंट वरायटीज़ हैं इनको आप देख लीजिएगा दैन पेरेंट वेराइटी कि किसके बीच में ये क्रॉस किया गया है और किस तरह से न्यू वेराइटी डाली गई है देन ये म्यूटेंट रिएजेंट्स हैं लाइक गामा रेस हैं या ईएमएस हैं तो किसके थ्रू इन म्यूटेजन म्यूटेजन ब्रीडिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है तो ये पूरी कॉन्टीन्यूश कॉन्टीन्यूस लिस्ट है फर्स्ट और सेकेंड ओके नो डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मिटेशन ब्रीडिंग जैसे कन्वेंशनल मीटिंग के कन्वेंशनल ब्रीडिंग के डिसएडवांटेजेस हैं उसी तरह से कुछ लिमिटेशंस म्यूटेशन ब्रीडिंग के अंदर भी होते हैं फर्स्ट मोस्ट ऑफ़ द म्यूटेशंस आर लीथल एंड मे लीड टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म ओके ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लार्ज नंबर ऑफ़ प्लांट्स इज़ टू बी एम्प्लॉयड टू गेट अ डिज़ायरेबल अमाउंट बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ प्लांट्स में हमें इंट्रोड्यूस करनी होती है म्यूटेशन ब्रीडिंग और उसमें से कुछ सेलेक्टेड प्लांट ही हम ले सकते हैं जिनके अंदर की वो डिज़ायरेबल म्यूटेशंस आते हैं मैनी म्यूटेशं गेट रिवर्टेड एंड आर नॉट स्टेबल ये स्टेबल नहीं होटेड थ्रू जनरेशन की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और वो वापस से रिवर्ट बैक हो जाते हैं मैनी म्यूटेशन गेट रिवर्टेड एंड आर नॉट स्टेबल यूजली म्यूटेश दस एक्सप्रेसड इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है कि अधिकतर जो है ये डॉ म्यूटेशन के जो करेक्टर्स आते हैं वो रिसेसिव होंगे और वो जैसे कि आप जेनेटिक्स में पढ़ ही चुके हैं वो तभी एक्सप्रेस होंगे जबकि वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर होंगे म्यूटेशन आर इनहेरिटेड ओनली इफ दे आर ओनली इफ दे आर इंडूस इन गैमिट्स पर्टिकुलरली इन पोलन तभी वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिट होंगे नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर ये तो हमारा जो पहले हमने पढ़ा लाइक म्यूटेशन ब्रीडिंग एंड कन्वेंशनल ब्रीडिंग ये तो आपका जो लोकल फील्ड एक्सरसाइजेस है जिनके थ्रू आप नई वराइटीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसके अलावा जो कि टिश्यू कल्चर वाले चैप्टर के अंदर भी जो आप वीडियो उसमें दोबारा आप देख सकते हैं जो मैंने आपको डाला था जनरल टेक्निक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी एक पार्ट है कि प्रोटोप्लाजम कल्चर या किस तरह से आप जो फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हो तो वो टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर के थ्रू आप किस तरह से डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो तो द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ न्यू जीन्स एंड देयर सब्सिक्वेंट ट्रांसप्लांटेशन इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ मैथड ऑफ करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन इज़ कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप जो भी फॉरेन डिजायर्ड आपका जो भी जीनो जीन है उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो और बैक्टीरिया के अंदर और उसके बाद वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका बनेगा उसको आप प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो तो जो भी आपका प्लांट होगा उसके अंदर वो डिज़ायरेबल जेनेटिक करैक्टर्स होंगे इसके लिए आप जो बेसिक टिश्यू कल्चर वाला वीडियो है उसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं नाउ टर्म सच एस जीन सर्जरी जीन थैरेपी जीन मैनिपुलेशन जीन ट्रांसप्लांटेशन जीन इंटरवेंशन हैमसली यूज फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग टिश्यूकल्चर टेक्निक्स आर यूज टू गेट डिजीज फ्री प्लांट्स इन लैब्स एंड देन दे आर ट्रांसफर टू फील्ड फॉर द लार्ज स्केल इवेलुएशन तो ये भी एक तरीका है जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लान टिश्यूकल्चर के थ्रू भी हम नए जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं थैंक यू सो मच